हेलो एवरीवन, ये हमारी फिफ्थ वीडियो है हाइड्रोकार्बन पर। इसमें मैं आपको जितनी भी इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है वो बताऊंगी और रूट मैप भी बताऊंगी कि हाइड्रोकार्बन के मैकेनिज्म का रूट मैप क्या है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताऊंगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब है पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है, उसका सब्स्टिट्यूट कराना बेंजीन रिंग पर। ओके, पहले स्टेप क्या होगा हमारा, जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ऑब्वियसली किसी भी रिएजेंट को अगर हम लेंगे तो हमारा उसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है जबकि न्यूक्लियोफाइल हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है। ज़्यादा अगर हम देखें, मान लीजिए जब हम किसी बेंजीन का क्लोरीनेशन कराएंगे, Cl2 को इंट्रोड्यूस कराएंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एज अ कैटलिस्ट का हम यूज़ कराएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, Cl पॉजिटिव क्लोरोनियम आयन मिलेगा और एक जो Cl होगा वो इससे जाके अटैच हो जाएगा, तो क्या होगा, AlCl4 नेगेटिव। ओके, जब हम एल्काइलेशन कराएंगे किसी बेंजीन का, तो मान लीजिए एल्काइलेशन में हमारा CH3 होता है एल्काइल और क्लोरीन ग्रुप होगा, मतलब एटम होगा, तो CH3Cl है प्लस AlCl3 है। ठीक है, क्या होगा, जो CH3 है CH3 प्लस में हो जाएगा और ये हमारा AlCl4 नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, नाउ स्टेप सेकंड की अगर हम बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। पहले में हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन कराना है, दूसरे स्टेप में हमें कार्बोकैटायन बनाना है, मतलब कि कार्बन या जो हमने बेंजीन लिया है उस पर पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन कराना, कैटायन और एनायन। कैटायन का मतलब ही होता है पॉजिटिव, एनायन का मतलब होता है नेगेटिव। ओके, देखो बेंजीन रिंग है हमारे पास, इसको हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोफिलिक जो हम इस पर कराएंगे तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो इस पर शिफ्ट हो जाएगा, जब इस पर जाएगा तो जिस पर जाता है उस पर नेगेटिव हो जाता है, तो ये न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, अब इस पर ये जो कार्बन है इस पर कैसा जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है, तो हमारा क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन, मतलब एरिनियम आयन बन जाएगा। देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया, नाउ इसको हमने एज इट इज़ लिख लिया, इसको हमने इसको इंट्रोड्यूस कराया, ये रेजोनेंसिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, क्या हुआ, जब हमने इसको इसमें इसको अटैक कराया या कार्बोकैटायन बनाने के लिए हमने इलेक्ट्रोफिलिक ऐड कराया, तो इस पर हमारा पॉजिटिव आ गया और ये न्यूट्रलाइज हो गया और ई हमारा यहाँ पर जुड़ गया, है ना। अब देखो ये पॉजिटिव एज इट इज़ रहा, ये बॉन्ड हट जाएगा हमारा क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया, मतलब ये जो बॉन्ड है वो हमारा इसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ चले गए, इसलिए इस पर बॉन्ड हट जाएगा और ये जो बॉन्ड है वो यहाँ पर शिफ्ट कराएंगे। जब हमने इसको यहाँ पर शिफ्ट कराया तो ये बॉन्ड इस कार्बन पर कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, अब जो ये पॉजिटिव है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, देखो यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। अब क्या कराएंगे, इस बॉन्ड की, अब इस बॉन्ड की शिफ्टिंग कराएंगे, पहले हमने इस बॉन्ड की शिफ्टिंग कराई थी, अब हम इस बॉन्ड की शिफ्टिंग कराएंगे। ठीक है, अब देखो मम्मी आई, अब देखो इस बॉन्ड को अगर हम शिफ्ट कराएंगे तो पॉजिटिव आ गया, इस बॉन्ड को जो, तो अगर हम इस बॉन्ड को शिफ्ट कराएंगे तो पॉजिटिव है, नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो ये न्यूट्रलाइज होगा, अब इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, देखो। ठीक है, ये दीज आर द रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस कार्बोकैटायन, दिस कार्बोकैटायन इसका। ठीक है, बोथ आर सेम, बस हमने बॉन्ड को रोटेट कराने के लिए इनका स्ट्रक्चर बना रखे हैं। ठीक है, अब ये कॉमन है, इसमें क्या हो रहा है, रोटेट फॉर्म में है बॉन्ड्स। ओके, नाउ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन, ये याद रखने की चीज़ है और हमें याद रखना चाहिए कि जब हम इलेक्ट्रोफिलिक का अटैक कराते हैं तो कहाँ कहाँ अटैक करता है, देखो कहाँ कहाँ पॉजिटिव चार्ज आए, ये देखने के बाद
इसके रेस्पेक्ट में ये हमारा ऑर्थो पोजीशन है, राइट। तो ऑर्थो, इसके रेस्पेक्ट में ये हमारा पैरा पोजीशन है, पॉजिटिव आया तो पैरा पोजीशन। इसके ही रेस्पेक्ट में ये हमारा ऑर्थो पोजीशन है, ये मैंने बताया था ना कि इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन होते हैं, ये दोनों पैरा पोजीशन होते हैं और ये हमारा, सॉरी, ये दोनों मेटा पोजीशन होते हैं, ये पैरा पोजीशन होते हैं। तो पहले ऑर्थो पर आया, फिर पैरा पे आया, फिर ऑर्थो पे आया, मतलब कि इलेक्ट्रोफिले जो है वो अटैक करेगा ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन पर, ठीक है ना। द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का रिमूवल है मतलब एच पॉजिटिव का रिमूवल कराना, ठीक है। अब क्या करा हमने, इसको ले लिया एरिनियम आयन को, जब लिया यहाँ पर स्ट्रक्चर देखो सेम है, ठीक है। तो जो एच को हमें रिमूव कराना है, तो इसका जो बॉन्ड होगा, जहाँ पर बॉन्ड हमने इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराया था, मतलब अपने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स उसको दे दिए थे, तो इसका बॉन्ड हम इस कार्बन, इस बॉन्ड को बनाने में यूज़ करेंगे, ठीक है। जिससे कि क्या होगा, एच हमारा रिमूव हो जाएगा और हम क्या करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक के प्रेजेंस में इसकी फास्ट रिएक्शन होगी, बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होगी और हमें क्या मिलेगा, ई हमें मिल जाएगा, बेंजीन रिंग के ऊपर ई मिलेगा। बेंजीन की रिंग, जैसे नाइट्रेशन भी हमारा इसमें हो सकता है, सल्फोनेशन भी हो सकता है, ठीक है। और एच न्यूट्रोफिलिक निकल जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक ना। इट इन्वॉल्व एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन रिजल्ट आयन इन द डिजायर सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट प्रोड्यूस। कहने का मतलब है, पहले हमारा क्या हुआ, ऐड हुआ, एडिशन रिएक्शन, फिर रिमूवल फॉलोड, रिमूवल का मतलब एलिमिनेशन, तो हमें एक डिजायर्ड सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट मिला, ओके। ये बर्ड रूट है, ये सॉरी रोड मैप है, पहले हमारा जनरेशन कराएंगे न्यूक्लियोफिल इलेक्ट्रोफिलिक का, फिर फॉर्मेशन कराएंगे कार्बोकैटायन का, फिर रिमूवल कराएंगे प्रोटॉन्स का, ओके ना। अब हम बात कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। इसमें पहला स्टेप है, मैंने बताया था पहले हमें इलेक्ट्रोफिलिक का फॉर्मेशन करना है, तो हमने H2SO4 से नाइट्रेशन जब कराया तो H2SO4 होगा उसके एज अ कैटलिस्ट की फॉर्म में, तो H पॉजिटिव, HSO4 नेगेटिव, ठीक है। तो देखो ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्म, एटम को हमने ओपन फॉर्म में लिख रखा है HNO3 को, HNO3, और H पॉजिटिव हमारा कैटलिस्ट का इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये H जो होगा वो यहाँ पर जुड़ जाएगा, देखो, ठीक है। और ये जो नेगेटिव बॉन्ड है वो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस बॉन्ड पर आकर और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। H2O रिमूव करा दिया, ठीक है, क्या मिला, O NO, इस पूरे को H2O को रिमूव करा दे, ठीक है। तो क्या मिला, नाइट्रोनियम आयन और इलेक्ट्रोफाइल। सिंपली अगर हम देखें HNO2, देखो HONO2 को एज इट इज़ ले, और H2SO4 को जब हमने कराया तो एच एज इट इज़ रहा, ओ एच हमारा इसमें से जो H2SO4 में से एच जो निकला वो हमने इसको यहाँ पर करा लिया, और NO2 ऐसे लिख लिया, और HSO4 नेगेटिव। प्रोटीनेटेड नाइट्रिक एसिड हमारा वाटर एलिमिनेट कराएगा और हमें मिलेगा NO2 पॉजिटिव, नाइट्रोनियम आयन मिल गया, ठीक है ना। स्टेप टू में क्या होगा, स्टेप टू का हमारा क्या था, रोड मैप, सेकेंड में हमें कार्बोकैटायन बनाना है। देखो कार्बोकैटायन हमारा बन गया, ये क्या है हमारा, कार्बोकैटायन है, मतलब कि आयन बेंजीन रिंग पर पॉजिटिव चार्ज होना, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेम है, इसमें रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हमने शो करे हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया था, ऐसे ही पहले ये ई है, वहाँ पर हमने ई लिया था, ठीक है। तो हमारा नाइट्रोजन ग्रुप लग गया NO2, ओके, दीज आर द इन द मूविंग फेज ना। अब क्या होगा, इसको हमने ले लिया वैसा ही, बिल्कुल सेम है, बस ई की जगह NO2 लगा दिया, HSO4 नेगेटिव के साथ बहुत फास्ट कैटलिस्ट तो रहेगा ना, बहुत फास्ट रिएक्शन होगी और हमारा नाइट्रोबेंजीन बनेगा
और एक्स प्रोडक्ट बनेगा H2SO4, ठीक है ना। ऐसे ही हमारा मैकेनिज्म हैलोजन और बेंजीन है, इसमें पहले देखो इलेक्ट्रोफाइल का जनरेट कराया, CaCl पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव आएगा एक एक बार, FeCl3 की प्रेजेंस में तो FeCl4 नेगेटिव मिला और क्लोरोनियम आयन बना। स्टेप टू में बताया था मैंने कार्बोकैटायन बनेगा, देखो ये वाला फाइनली हमें ये वाला मिलेगा। जब हमने इसको इस पर कराया, मतलब कि जब इसको हमने कराया तो इसका बॉन्ड तो चला जाएगा ना, तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम है, बिल्कुल सेम है, कुछ करना ही नहीं है, ये मूविंग फेज है इसका। अब ये आ गया हमारा क्या स्टेप थर्ड, इसमें प्रोटोनेशन कराना है, मतलब कि प्रोटोन का रिमूवल कराना है। तो HCl हमारा निकल जाएगा, FeCl3 एज अ कैटलिस्ट रहेगा और हमारा क्या बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। थर्ड रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन एल्काइलेशन और एसाइलेशन बिल्कुल सेम है। मैंने बताया पहले इलेक्ट्रोफाइल बनाना है हमें, कैसे बनाएंगे एल्काइलेशन एल्काइल और एक्स से बनेगा। एल्काइल क्या है CH3Cl AlCl3 कैटलिस्ट की फॉर्म में हम यूज़ करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेंगे AlCl4 नेगेटिव और CH3 पॉजिटिव क्या बन गया इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब इलेक्ट्रोफाइल को हम इस बेंजीन रिंग पर अटैक कराएंगे, देखो यहाँ पर जब हमने इसको कराया तो CH3 हमारे यहाँ पे लग जाएगा H के साथ और ये हमारा खाली रह जाएगा क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस पर चले गए हैं, इसलिए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब देखो रेजोनेंस सेम वही है ना, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजिशन, ठीक है। दीज आर द मूविंग, इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मूविंग फेज ऑफ बॉन्ड्स विद इन अ हेक्सागोनल। स्टेप थर्ड क्या है प्रोटीनेशन कराना, वही प्रोसेस है, ठीक है। इसका जो बॉन्ड होगा इस पर शिफ्ट करेंगे हम इसकी स्टेबिलिटी करने के लिए, तो H हमारा रिमूव हो जाएगा और क्या निकल जाएगा यहाँ से Cl निकलेगा एक, यहाँ से H निकलेगा, तो HCl निकल गया, AlCl3 कैटलिस्ट सेम फॉर्म में आ गई, ठीक है। टाउलिन मिल गया हमें, ठीक है। मैंने बताया था ना इसका प्रोडक्ट जो एल्काइलेशन होता है उसमें हमें प्रोडक्ट मिलता है टाउलिन और उसमें क्या मिलता है एसिटोफिनोन एसाइलेशन में ना। एसाइलेशन की भी हम मैकेनिज्म देख लेते हैं, मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन एल्काइलेशन। स्टेप वन है वही है इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कराना, क्या था हमारे पास CH3COCl था, AlCl3 प्रेस कराएंगे तो हमारे पास AlCl4 नेगेटिव आ जाएगा और CH3CO नेगेटिव प्लस एसिटाइल कार्बोनाइन मिल जाएगा, कार्बोनियम। द इलेक्ट्रोफाइल अटैक द बेंजीन टू फॉर्म इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। अब क्या वही दूसरा पॉइंट है कार्बोकैटायन बनाना है हमें, ठीक है। जब हमने इसको इससे कराया बिल्कुल सेम है, बस हमें रूट मैप को याद रखना है। जब इस पर ही अटैक हुआ तो यहाँ से बॉन्ड गायब हो जाएगा क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स पे चले जाएंगे, तो देखो यहाँ से गायब हो गया और ये इस पर जाके अटैच्ड हो गया। अब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गया, ऑर्थो पैरा ऑर्थो ये याद रखना है, और ये मूविंग फेस था इसका पूरा बॉन्ड का, ठीक है ना। प्रोटोनेशन कराएंगे लास्ट स्टेप था, इसमें से H निकालेंगे, प्रोटोनेशन मतलब H पॉजिटिव का एलिमिनेट कराना, तो AlCl4 की प्रेजेंस में तो HCl निकल जाएगा, एसिटोफिनोन हमें मिल जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, HCl निकलेगा और AlCl3 कैटलिस्ट। देखो रिएक्शन में कैटलिस्ट का क्या रोल होता है ये देखें, और हमें पता होना चाहिए कैटलिस्ट होता क्या है, ठीक है। कैटलिस्ट के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूँगी क्योंकि ये हमारा एक हमें पता भी होना चाहिए। देखो कैटलिस्ट हमारा मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है, आयन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का वर्क होता है रिएक्शन को इंक्रीज कराना, ठीक है पहला। दूसरा ये होता है कि कैटलिस्ट रिएक्शन होगी तो इन्वॉल्व होगा, जैसे वो स्टार्टिंग में इन्वॉल्व जिस फॉर्म में हुआ था वैसे ही हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनने पर
एज इट इज़ निकल आए, मतलब कि इन्वॉल्व तो होगा उसमें, लेकिन वो जैसे स्टार्टिंग में था ना हमारे पास AlCl3, देखो इसमें देख लो कैटलिस्ट AlCl3 हमने इन्वॉल्व करा, एज इट इज़ फाइनल प्रोडक्ट जब हमारा एसिटोफिनोन मिला तो हमारा AlCl3 कैटलिस्ट एज इट इज़ फॉर्म में आ गया, इन्वॉल्व हुआ, इन्वॉल्व होकर फिर से एक्सट्रैक्ट हो गया वहीं से। तो दिस इज़ द फीचर ऑफ कैटलिस्ट। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट द मैकेनिज्म, एंड आज आपका हाइड्रोकार्बन चैप्टर फिनिश हो गया है 11th क्लास का, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियो यू कैन कमेंट ऑन इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन।